वह देश के सभी लोगों को एकजुट लाने एवं भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। वो इन दिनों महाराष्ट्र में है और कुछ ही दिनों में विदर्भ में प्रवेश करेगी। उसी यात्रा को समर्थन देने नागपुर से भारत जोड़ो जनजागरण समिति द्वारा पद यात्रा निकाली गई। भारत माता चौक से संविधान चौक तक ये पद यात्रा निकाली गई, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारी नेता शामिल थे। भारत देश के सभी लोगों को एकजुट लाने एवं भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। यह पदयात्रा भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी, जिसमें सभी प्रदेशों एवं वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। यह भारत की एकता एवं अखंडता का त्योहार है, जिसमें भारत के सभी नागरिक भाग ले रहे हैं। और उसी यात्रा में शामिल होने के लिए आज भारत माता चौक से संविधान चौक तक भारत जोड़ो जनजागरण समिति की ओर से पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के दौरान कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित। इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल अहिरकर एवं शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे द्वारा कहा गया, इस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देश में भय, कट्टरता, बढ़ती बेरोजगारी और असमानता के विरोध में लड़ना है और इस त्योहार को मजबूती प्रदान करने हेतु नागपुर शहर में भारत जोड़ो जनजागरण समिति की ओर से नागपुर में पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम शामिल होकर अपना समर्थन दे रहे हैं। भारत जोड़ो जनजागरण समिति की ओर से आज जो है भारत जोड़ो को ये जो लोग हैं यहाँ से कार्यकर्ता जो है ज्वाइन होने वाले हैं, उससे पहले जो है शहर के इतवारी चौक से संविधान चौक तक ये जो रैली निकाली जाएंगी, क्या बताओगे? ये भारत जोड़ो यात्रा ना महाराष्ट्र में, भारत में राहुल जी ने जो एक देश की एकता के लिए जो यात्रा निकाली है वो बेहद खूबसूरत है। और एक जमाने में गांधी, महात्मा गांधी ने जो यात्रा निकाली थी देश के हित में, वही यात्रा आज राहुल जी निकाल रहे हैं। इसलिए यही देखते हुए हम लोगों का भी जज्बा जागृत हुआ, इसलिए नागपुर के जनजागरण समिति की ओर से सभी सिविल सोसाइटी को लेते हुए, लीगल सेल, AIPC और इंटक को हम सब लेते हुए और सभी नागरिकों को और सभी को लेते हुए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल, ये यात्रा आप निकाल रहे हो कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ जाने वाले हो, कितने लोग इसमें शामिल होने वाले? यह यात्रा आज भारत माता चौक से गोलबार चौक होते हुए, टीएक पुत्र होते हुए संविधान चौक में समाप्त होगी और इसमें करीबन आज तो 250 लोग इसमें सम्मिलित होने वाले अलग अलग जगह पे। तो आगे जो भारत जोड़ो यात्रा जो है विदर्भ में आने वाली है, वहाँ आप ज्वाइन होने वाले हो, किस तरह से आपकी आगे की ये रहेगी? हाँ, तो यह यात्रा अभी हम लोग 17 तारीख को सभी लोग निकलने वाले हैं नागपुर से, काफी 20-25 हजार लोग निकलने वाले हैं सभी लोग। हम लोग शेगांव में जमा होने वाले हैं, वहीं से राहुल जी के साथ सम्मिलित होने वाले। और सबसे पहले ने इस यात्रा का जो आज जो प्रारंभ होने वाला है, एक स्वतंत्र सेनानी है जो गांधी जी के साथ रहे हैं ताई, उनके हाथ से होने वाला एक पावन क्षण है हमारे लिए। क्या बताओगे, इससे पहले भी आपने जो है यात्रा ऐसी देखी है, इस बार फिर अभी राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है उसको भी आप देख रहे हो, क्या बताओ? मैं ये बताऊंगी, अंग्रेजों के गुलामी में किस तरह की नागरिकों की परिस्थिति थी वो मैंने देखी है। मैं 93 ईयर्स, 93 साल की हूँ, 12 साल की थी तब अंग्रेजों चले जाओ भारत छोड़ो काम करते थे, तो इसमें पकड़ी गई थी, एक दिन की सजा हुई थी। ये आज़ादी हमको जो स्वातंत्र मिला है वो स्वातंत्र ऐसा भीख दिया नहीं है अंग्रेजों ने, लोगों की जो शक्ति थी, हमारे पास कुछ भी आयुध नहीं था, हमारे पास ना तलवार थी, हमारे पास ना बंदूक थी, हमारे पास था लोक शक्ति। और ये भारत की जो लोक शक्ति है उस लोक शक्ति ने इस भारत को आज़ादी मिला दी है। सपने बहुत सुंदर थे, ऐसे लगता था जो अंधेरे में है श्रमिक और अंधेरे में नीची जात वाला है उसे इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन वो मिली नहीं। दिन पे दिन इक्वालिटी जात के ऊपर जा रही है,
ऊपर की जात आज सबसे ज्यादा ऊंची है, तो जातीयवाद जो आज उभर रहा है, मैंने जन्म हिंदू धर्म में लिया है, लेकिन मेरा हिंदू धर्म जो है वो आज जो चल रहा है ये हिंदू धर्म उससे अलग है। जो हिंदू धर्म बना है वो इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आज सर्वश्रेष्ठ भारत का धर्म ग्रंथ है और आज वो खतरे में है। 93 इयर्स फ्रीडम फाइटर, आज आपको ये कहने को आई है कि ये तरुणाई जो है आवाज उठा रही है, हमने आजादी जो कमाई है वो हमारा व्यक्ति स्वातंत्र्य, हमारा इक्वालिटी और हमारा जो मानव धर्म के अवसर है वो मिलाने के लिए आज वो सब खतरे में है। इसीलिए ये नौजवान आवाज उठा रहे हैं नेतृत्व। एक मिनट, मैं आज एक्टिव कांग्रेस वाली नहीं हूँ, लेकिन इसमें इसलिए आ रही हूँ कि राजकीय पक्ष में कोई नेता नहीं होता है तो राजकीय पार्टी चल नहीं सकती। आज राहुल ने ये कंधे पे लिया है जिम्मेदारी अपने, और ये सब नव युवक उसको अपनी शक्ति दे रहे हैं, और हम जैसे जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग में अपना सब गवा दिया है उनको आशा निर्माण की है। मैं राहुल और इन सबको आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कमाया नहीं है, मैंने सिर्फ समाज को कैसा ऊंचा उठाएंगे। गांधी जी के साथ रह चुकी हूँ, 6 दिन गांधी जी के पास थी। गांधी का जो धर्म है उसी धर्म के ऊपर चलती हूँ, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सबका मुझे अभिमान है। और माता की पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि भारत में जिस प्रकार से अव्यवहारिकता ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे जाति जातियों में भेद हो रहा है, धर्म धर्म में जो लड़ाई होती जा रही है, अभी सही मायने में अभी यहाँ पे देश को जोड़ने का काम, सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी जातियों को जोड़ने का काम करना है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी जी के साथ में, कांग्रेस पार्टी के साथ में है, और हम भारत जोड़ो यात्रा में हम पूरी तरीके से जब विदर्भ में भी आएंगे तो हम पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी साथ में रहेगी। जिस प्रकार से बीजेपी ने देश के लोगों को बंटवाने का काम किया हुआ है, उसके विरोध में भारत जोड़ो यात्रा हमने बनाई है। हमको इस देश के नागरिकों को विभाजित करके रखना नहीं है, हम सब मिलके एक है, और सब मिलके ये जातिवादी संगठनों को हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के भारत जोड़ो में हम लोग साथ में है। धन्यवाद। जोड़ो यात्रेचा पूर्ण भारतातील लोकांना एकत्रित करण्याचं काम माननीय राहुल जी गांधी यांनी जे सुरू केलेलं आहे, आणि याच्यामुळे संपूर्ण देशामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे पूर्ण जनसागर, महागाई, बेरोजगारी आणि आपल्या समस्या दूर करण्याच्या हिशोबाने समोर येत आहेत, आणि याला प्रचंड प्रतिसाद पूर्ण ज्या ज्या ठिकाणी राहुल जी जात आहेत त्या ठिकाणी तरुणांपासून तर सर्व लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रचंड जल्लोष त्या ठिकाणी होतो आहे, आणि याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वागत केले जाते। राहुल गांधींच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्व लोक भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी होत आहोत। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत के आंधी जो चला रही है, जगह जगह नफरत, हिंदू मुस्लिम के दंगे, हर चीजों में जाति भेद जो कर रही है, हमको ये सारी चीजों को नष्ट करना है, दूर करना है, सभी भाईचारों का रिश्ता बना के हिंदुस्तान में रखना है, भारत में। इसलिए राहुल जी ने जो भारत जोड़ो अभियान जो निकाला है वो पूरी ताकत के साथ में पूरे भारत की जनता राहुल जी के साथ में भारत जोड़ो अभियान में शामिल हो रही है। जहाँ जहाँ भी राहुल जा रहे हैं लाखों की तादाद में जनता उनके साथ जुड़ रही है, और ये अभियान हम हर साल चलाते जाएंगे जब तक हम जिंदे हैं, कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी के साथ में राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये सारी पार्टी, सारे बीजेपी के विरोधी दल इकट्ठा होकर भारत जोड़ो अभियान में शामिल हो गए, और भारत इकट्ठा रहना चाहिए, सबकी ये मनोकामना है। राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शुरू की,
पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा हुआ, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में से शामिल हुई है। जो नफरत की बीज बीजेपी ने यहाँ बोया है उसको खत्म करने के लिए और सर्वधर्म सद्भाव को कायम करने के लिए, बेरोजगारी जो प्रतिदिन बढ़ रही है, जाति धर्मों में बांटा जा रहा है, जो बीजेपी अपना मकसद प्राप्त करने के लिए जो पैसे का और भ्रष्टाचारी का माहौल हिंदुस्तान में जो फैला है उसके खिलाफ में राहुल जी की यात्रा में भारत जोड़े अभियान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। हमें पता है कि भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में और विदर्भ में वो आने वाली है और उसके लिए जो है या भारत जनजागरण समिति जो है यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने वाली है। आज जो है उसकी पहल की गई है यात्रा निकलकर, उसके साथ ही जो स्वतंत्र सेनानी है वो भी यहाँ पर हौसला अफजाई के लिए यहाँ हमें दिखाई दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा विदर्भ में प्रवेश करने वाली है, जहां भारत जोड़ो जनजागरण समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं, जिसकी ये पूर्व तैयारी पदयात्रा के स्वरूप में की गई है। इस दौरान भारत जोड़ो जनजागरण समिति के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही इसके समर्थन में स्वतंत्र सेनानी लीला चितले भी मुख्य रूप से उपस्थित थी।